सुबह का वक्त, अभय के होटल का रूम। आज सुबह से ही अभय के चेहरे पर स्माइल थी। वो अपनी टाई बांधे जा रहा था और मुस्कुराए जा रहा था। तुम आ गए वापस और तुमने मुझे बताया भी नहीं, क्यों अभय? अभय ने आवाज की तरफ मुड़ के देखा तो उसकी दोस्त मालिनी ये कहते हुए रूम के अंदर आ रही थी। मालिनी राजा सुजीत सिंह की बेटी थी। राजा सुजीत सिंह राजस्थान के अजमेर राज्य के राजा थे, पर अभय पूरे राजस्थान का हुकुमसा था। मालिनी के स्वभाव में गुरूर था, अहंकार था, पर राजा सुजीत अभय के पिता के दोस्त थे, इसलिए अभय और मालिनी भी अच्छे दोस्त थे। मालिनी उससे शादी करना चाहती थी, इसलिए वो अभय के हमेशा पास रहती थी। उसने उसके पास रहने के लिए उसकी पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब ली थी, पर कुछ महीनों से वो शिमला गई थी काम के सिलसिले में। अभय ने बिस्तर से कोट उठाते हुए कहा, हाँ बस 2 दिन हो गए हैं, काम करते हुए वक्त नहीं मिला बताने का। मालिनी ने उसके हाथ से कोट लेके उसे पहनाते हुए कहा, चलो कोई नहीं, अब आप आ गए हैं तो मैं आज से ही आपकी जॉब पर फिर से हाजिर हूँ। जैसे आपकी मर्जी राजकुमारी, पर हमें नहीं लगता आपको इतना कष्ट उठाना चाहिए हमारे लिए। मालिनी ने उसके पास आते हुए कहा, अभय आपके लिए तो मेरी पूरी जिंदगी है। हमें चलना चाहिए राजकुमारी, देर हो रही है। ये बोलकर अभय ने उसे खुद से दूर कर दिया और मालिनी के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। इंदौर शहर, राजेंद्र जी का ऑफिस। काशी बैठी अपना काम कर रही थी कि तभी अभय मालिनी और राणा के साथ उसके केबिन में आया। काशी की नजर मालिनी पर थी। अभय ने काशी को देखकर मुस्कुरा के कहा, गुड मॉर्निंग काशी जी। जी प्रणाम। इतना बोल काशी अपने काम में लग गई। अभय ने उसे मालिनी से मिलवाते हुए कहा, ये राजकुमारी मालिनी है, हमारे बचपन की दोस्त और हमारी पर्सनल सेक्रेटरी भी। ये सुन काशी मन में बोली, ऐसे इंसान का भी कोई दोस्त हो सकता है भला? उसके होंठ हिलते हुए देखकर अभय ने उससे कहा, कुछ कहा क्या आपने काशी जी? काशी ने उसे देखकर कहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। प्रणाम मालिनी जी, स्वागत है आपका हमारे ऑफिस में। ये सुनकर मालिनी ने थोड़ा मुंह बना के कहा, हमारा ऑफिस मतलब? ये तो राजा साहब का ऑफिस है ना, तो आप? ये राजेंद्र जी की दोस्त की बेटी हैं। बचपन से काशी को राजेंद्र जी ने बेटी माना है। जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो वो इन्हें अपने साथ ले आए और अब ये उनकी बेटी हैं, राजकुमारी काशी प्रताप सिंह। ये सब अभय एक सांस में बोल गया था। मालिनी ने काशी को ताने मारते हुए कहा, अच्छा तो ये उनकी मुंह बोली बेटी है। वैसे तुम्हारी किस्मत भी कितनी अच्छी है ना, कि आम लड़की से तुम राजकुमारी बन गई। काशी ने मुस्कुरा के उसकी बात को टाल दिया, पर अभय को मालिनी का इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगा। काशी और अभय काम में लग गए। काम करते हुए जब 12 बज गए और विजय नहीं आया तो काशी थोड़ा परेशान हो गई और फोन लगाकर उसे स्पीकर पर करके काम करने लगी। रिंग जा रही थी। थोड़ी देर बाद फोन उठा तो उधर से विजय की आवाज आई, क्या हुआ प्रिंसेस, आपका दिल नहीं लग रहा हमारे बिना? काशी ने फाइलों को देखते हुए कहा, कहाँ हैं आप कोर्सा, 12 बज गए हैं, ना आप आए और ना आपके फूल। आप हमें मिस कर रही हैं या अपने फूलों को प्रिंसेस? काशी ने मुस्कुरा के काम करते हुए कहा, वैसे सच बोलें या झूठ? अभय को ये सब सुन के गुस्सा आ रहा था। मालिनी भी ये सुने जा रही थी। विजय ऑफिस आ गया था और बात करते हुए वो काशी के केबिन के पास आकर खड़ा हो गया। उसने बात करते हुए ही दरवाजा खोला तो काशी उसे देखकर मुस्कुरा दी। अभय उसे देखा तो गुस्से से भर गया। लो आ गए हम प्रिंसेस। ये कहते हुए विजय अंदर आया और अपने साथ लाए फूलों को उसके टेबल पर रखे गुलदस्ते में लगा दिया। मालिनी ने जब विजय को देखा तो हैरान होकर बोली, कुंवर विजय, आप यहाँ? विजय ने देखा तो मुस्कुरा के उसकी तरफ बढ़ गया, राजकुमारी मालिनी, आप यहाँ कैसे? ये कहकर वो उसके गले लग गया। जहां अभय वहां मैं, वैसे तुम यहाँ? अरे हम तो प्रिंसेस के लिए आते हैं, उनका ख्याल रखने। ये बोलकर विजय ने काशी को देख के मुस्कुरा दिया। वो काशी के पास वाली कुर्सी पर बैठ के काम करने लगा। अभय की नजर बार बार काशी पर चली जाती थी। मालिनी काशी के मांग का सिंदूर देख के पूछने लगी, काशी तुम्हारे पति कहाँ है? मालिनी के पूछने पर अभय काशी की तरफ देखने लगता है।
काशी ने भी हैरान होकर उसकी तरफ देखा। विजय कुछ बोलने ही वाला था कि काशी बोल पड़ी, वो हमारे साथ नहीं रहते। ये सुनकर मालिनी ने फिर पूछा, क्यों, वो साथ क्यों नहीं रहते हैं? काशी ने काम करते हुए कहा, उनके लिए ये शादी बस एक सौदा थी जो उन्होंने किया और चले गए। अभय काशी की तरफ ही देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे कहते हुए, और विजय को गुस्सा आ रहा था मालिनी के सवाल पूछने पर। तो अगर वो तुम्हें छोड़ के चला गया तो तुम क्यों इस बोझ को उठा रही हो? क्यों उस रंग को अपने माथे पर सजा रखा है? तुम्हें भी ये मंगलसूत्र उतार देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल से कुंवर जी ठीक रहेंगे आपके लिए। राजकुमारी, रिश्ते बोझ नहीं होते हैं, ये वो धागा होता है जिसे आपको बहुत संजो के रखना पड़ता है, और जिसे आपने लाल रंग कहा, वो जब किसी लड़की के मांग में भरा जाता है तो वो सिर्फ लाल रंग नहीं, उसके सुहाग की निशानी हो जाती है। इस सिंदूर को तो खुद भगवान भी नहीं हटाने का सोच पाते, तो मैं कैसे कोशिश कर लेती? और जिस मंगलसूत्र की बात कर रही हैं, वो सिर्फ मंगलसूत्र नहीं बल्कि काली मोतियों में बांध के बनाया गया एक बंधन है जिसे कोई नहीं तोड़ पाता। ये काली मोतियां रिश्ते को कभी नजर नहीं लगने देती हैं। और रही बात मेरी दूसरी शादी की, तो ये रिश्ता उन्होंने या मैंने नहीं जोड़ा है मालिनी जी, ये खुद मेरे महादेव की मर्जी थी, ये उनकी बनाई गई जोड़ी है, तो इसे मैं तोड़ने वाली कौन होती हूँ? वो मुझे छोड़ के गए, इस रिश्ते को सौदा समझ के गए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? पर मैं भगवान के बनाए इस रिश्ते को सौदा नहीं बोल सकती हूँ। ये रिश्ता मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी। और आपके आखिरी सवाल का जवाब, कुंवर सा जैसा अच्छा इंसान बहुत नसीब वालों को मिलता है, पर वो मेरा नसीब नहीं है। मेरा नसीब उनके साथ है जिनके साथ मेरी शादी हुई है। कुंवर सा और हमारा रिश्ता बस एक दोस्त का है, एक सच्चे और अच्छे दोस्त का। काशी के जवाब से मालिनी निःशब्द हो चुकी थी और विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। अभय काशी को बहुत गौर से देख रहा था। आज असल मायने में उसे शादी की पवित्रता का मतलब पता चला था। काशी ने उसे शादी से जुड़े उस लाल रंग और मंगलसूत्र की अहमियत बताई थी, उससे जुड़े फर्ज बताए थे जो शायद ही आज से पहले कभी अभय को पता था। 4 बज गए तो मालिनी कुछ जरूरी काम का कहकर वहां से चली गई। विजय राजा साहब के साथ एक मीटिंग में जाने लगा तो काशी ने आवाज देकर उसे रोक कर कहा, कुंवर साहब रुकिए। विजय उसके पास आके बोला, बोलो प्रिंसेस क्या हुआ? आप बाबा के साथ जा रहे हैं ना, तो उनका ख्याल रखना और उन्हें बाहर का कुछ मत खाने देना। और हमारे लिए प्रिंसेस? आपके लिए, रुकिए। ये बोलकर काशी ने अपने बैग से एक छोटा सा टिफिन बॉक्स निकालकर उसे दिया। अरे वाह मालपुआ, मेरे लिए, विजय खुश होके बोला और काशी को गले लगा लिया। अभय को जरा भी अच्छा नहीं लगा उसका यूं काशी को छूना। विजय वहां से चला गया। अब केबिन में बस काशी और अभय थे। अभय उसे देखे जा रहा था। काशी अपना काम कर रही थी, उसके बालों की एक लट उसके चेहरे पर आके उसे परेशान किए जा रही थी। अभय को काशी इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। शाम तक दोनों काम करते रहे, सारे ऑफिस वाले भी जा चुके थे, पर काशी अपने काम में लगी थी। तभी राणा अंदर आते हुए बोला, हुकुम सा सब चले गए हैं, शाम हो गई है, चलें? अभय ने घड़ी में वक्त देखा तो 7 बज रहे थे। उसने लैपटॉप बंद किया और राणा को दे दिया, पर काशी काम करने में ही लगी थी। अभय ने काशी को देखकर कहा, घर नहीं जाना आपको? काशी लैपटॉप पर काम करते हुए बोली, बस थोड़ा सा काम है, आप जाइए, हम करके जाएंगे। ये सुनकर अभय राणा के साथ चला गया। काशी कुछ देर काम करती रही, फिर उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आपको हमारे बारे में सब पता है, यहां तक कि हमारे बीती जिंदगी में क्या हुआ वो भी पता है। और जब आपको सब पता है तो ये क्यों नहीं पता कि आपके लिए उस एक फैसले ने मेरी जिंदगी को बदल दिया? हुकुम सा, आप तो चले गए इस रिश्ते को सौदे का नाम देके, अपने बदले को लेके, पर हम तो आज भी इस रिश्ते में बंधे हैं। आपके लिए तो बस सब कुछ एक खेल था, पर शादी और रिश्ते खेल नहीं होते हैं हुकुम सा, ये बात आपको जानना होगा।
काशी आसमान की तरफ देख के बोली जा रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना सामान लिया और ऑफिस से बाहर आ गई। उसने देखा बाहर कोई नहीं था, न गाड़ी थी ना ही ड्राइवर था। उसने फोन निकाला और जैसे बात करने के लिए नंबर डायल किया, वैसे ही उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और किसी ने उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।